हाय गाइस, आपका ऑटो वाले अंकल शर्मा हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को मालूम है आज रिलीज हुई काल की। दोस्तों, सवेरे से ही उसके शो चालू है और सब लोग ने मूवी देख ली है, मैंने भी देख ली है। तो आज जो है उस पर सबको आप लोग को मालूम है कि काल की मूवी, कोई भी बड़ी मूवी आती है तो उसके ऊपर ऑटो वाले अंकल चैनल पर क्रेजी हम जरूर बनता है। तो चलिए, मैं क्रेजी हम के लिए सबसे पहले मैं बुलाऊंगा कृष्णा और सूर्य भाई और राहुल। तो ये क्रेजी हम क्रेजी हम में जो कि आज हम लोग बात करेंगे, काल्की के ऊपर चर्चा करेंगे। सब लोग ने मूवी देख ली है, सवेरे से भागम दौड़ चालू है और देख रहे हैं सूर्य भाई और थोड़ा आगे आ जाओ। देखिए कितने एकदम फूले फूले लग रहे हैं, मतलब जो कि आज जो है रिबल स्टार प्रभास की मूवी देखे, सबसे ज़्यादा जो है हमारे जो भी बोलो अंदर से देखो पूरा एकदम खुशी खुशी रहे। तो चलिए, क्रेजी हम में आप लोग का स्वागत है। पहले हमारे सीनियर रिपोर्टर सूर्य सर, हाँ, सीनियर तो आप दोनों तो सबसे तो सब सबसे पहले चलिए ये जो कृष्णा है इससे ही पहले पूछूंगा, आपने मूवी देखी काल की, आपको कैसा लगा? डिजास्टर, बकवास, पैसे बर्बादी। हाँ, तो ये जो है मुड़की ये कर रहे हैं, इनको थोड़ा बाद में लेंगे क्योंकि ये पूरा ये कर देंगे। हाँ। तो अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट जो है सूर्या सर के पास। पहला हफ जो था वो थोड़ा गड़बड़ था, वहाँ पे बिना मतलब की कॉमेडी की गई, दिशा पटानी। हाँ। को बिना मतलब का लेकर आया गया। अच्छा। और थोड़ा पेस स्लो था फर्स्ट हाफ का। अच्छा। इंटरवल ब्लॉक से 10 मिनट पहले से फिल्म पिकअप करती है और सेकेंड हाफ बहुत बढ़िया रहता है और कुछ जो खामियाँ थी उसको भी सेकेंड हाफ भर देता है और क्लाइमेक्स अच्छा है, तो मुझे अच्छी लगी। राहुल, पहला हाफ में तो मुझे नींद आने लग गया था, इतनी स्लो और बकवास पिक्चर थी। अच्छा। बहुत सारी कमियां थी पिक्चर में, जैसे कि अगर 800 साल फ्यूचर की पिक्चर बना रहे हैं हम लोग, आज से 800 साल बाद की 500,000 बता रहे हैं, 800 साल छोड़ दो 2898 AD ना, तो मतलब लगभग 850 साल बाद की पिक्चर, तो उस हिसाब से घर वर होने चाहिए थे, वैसा कुछ नहीं था पिक्चर में। पिक्चर में दिखाया कि एक भी पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान बिंदास घूम रहे। अगर मेरा सवाल ये, अगर पेड़ पौधे नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इंसान खा पी क्या रहे? और मरी थी एप्पल सेव के लिए नहीं, और लेकिन जिंदा कैसे है? अरे आएंगे, इधर आएंगे, हम आएंगे, टेंशन मत लो। हम लोग अगर 4 दिन नहीं खाए हमारी हालत खराब हो जाती है। एंड उसके अलावा प्रभास एक अंडे के लिए मर रहा था पिक्चर में। अच्छा। फिर एक फाइट सीन के दौरान एक बूढ़ी औरत से प्रभास पान की पत्ती छीन के खाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पेड़ मतलब है, इसके अंदर आप जो है जितने भी लॉजिक जो बताया गया, अगर लॉजिक देखा जाए तो पिक्चर बंडल है, बकवास है। हाँ। आपका कहना यही है? हाँ। मतलब टोटल जो है इसमें जितने भी लॉजिक है, लॉजिक अगर पूरी मूवी में स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा जाए लॉजिक बहुत है, अगर लॉजिक के हिसाब से तो फिर पिक्चर सही नहीं, बराबर ना? आपके हिसाब से आपके पास आऊँगा। चलो, आप क्या बोल रहे थे बोलो। फर्स्ट हाफ तो लाइक बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आया, हम लोग सो भी लगभग। अच्छा। ये हो गया। हाँ, सेकंड हाफ ने मूवी ने पिकअप किया था, जैसे सूर्य भाई भी बोल रहे, सेकंड हाफ ने मूवी ने पिकअप किया था। प्रभास को आप हैज इंट्रोडक्शन डाल रहे हो, इतना बड़ा एक्टर्स को आप इंट्रोडक्शन गाड़ी के हिसाब से डाल रहे हो, आशीष ने दिखा रहा सो हो रहा है, बोर हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा था। अच्छा चलिए, ये सब ठीक है, प्रभास का जिस हिसाब से आपको एक्शन चाहिए उस हिसाब से नहीं है, लेकिन अमिताभ जो माइंड ब्लोइंग देखो, मतलब ये हो गया कि हो गया ना। हाँ, फिर जो सेकंड हाफ में जो एक्शन जो है, कहानी जहाँ से घूम गई, जहाँ ये हो गया, फिर ये क्या बोलते हैं दिशा पट्टी के साथ भी जो हॉट सीन दिखाया वो जाता है वो। अच्छा, उसमें मतलब जो एक्शन जो एंग्री एनमैन के हिसाब से जो अमिताभ बच्चन जाने जाते थे, आज भी जो है लग रहा है पूरे पिक्चर में जो है अमिताभ बच्चन ही दिख रहे हैं, अमिताभ बच्चन छाए हुए पूरे स्क्रीन में, है कि नहीं छाए? चलिए, मैं अपने अमिताभ बच्चन कमल हसन के सामने प्रभास और दीपिका पादुकोण नजर नहीं आते, बात बिल्कुल सच है। हाँ। बिल्कुल बात सच भी है, तो पावरफुल है ना, रोल भी बहुत पावरफुल है, अमिताभ बच्चन जिस तरह से बातें करते हैं वाकई में अच्छा लगता है। इतने कैरेक्टर का फिल्म के लिए रिसर्च की गई, मैं मानता हूँ, रिसर्च नहीं की ऐसा नहीं बोलूंगा, फिल्म की रिसर्च की गई है, बहुत अंधा पैसा भी बहाया गया है, लेकिन फिल्म बहुत बेहतर हो सकती है, जैसे भाई हमारे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही भी कह रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम वही रोना धोना वही कॉमेडी नहीं, आप सीरियस फिल्म कट टू कट बनाओ, कई बार वो भी पसंद आता है। आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन जो राहुल बोल रहा था जो इसमें हर एक चीज़ बात की जो है, अगर लॉजिक पकड़ा जाए
ये पिक्चर कैसी लगी आपको? लॉजिक लॉजिक पे मैं नहीं जाता हूँ, मैं पिक्चर पे कभी लॉजिक पे नहीं जाता, लॉजिक पे नहीं जाता। मेरे को पसंद आना मांगता है पिक्चर कुछ भी बनाए, मेरे को पसंद आया तो मैं तारीफ करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, नहीं पसंद नहीं पसंद। एट द एंड मेरे को एंटरटेनमेंट चाहिए, मैं अगर 200-250-300 डालता हूँ मेरे को एंटरटेनमेंट चाहिए। लॉजिक कई बार 350 के टिकट थे भाई, लॉजिक 500 के पैसे का मतलब नहीं है, पैसा तुम्हारे पास है मालूम है, पैसा बताओ। अगर देखने जाए तो फुकरे जैसी पिक्चर जीरो लॉजिक, लेकिन वो बहुत एंटरटेनिंग थी, बहुत मस्ती। यहाँ पे अगर हम लोग कल की जैसा सीरियस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि लाइक एक अवतार है, लाइक विष्णु भगवान का 10वां अवतार है, तो ऐसे टॉपिक के अगर ऊपर कुछ पिक्चर बना रहे, तो जैसे हाँ आदि पुरुष में रामायण का मजाक बना दिया है, वैसे कल के अवतार का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सीरियसनेस होना चाहिए पिक्चर में। ये मैं भी मानता हूँ, कुछ सीन्स थे जो मुझे भी ऑकवर्ड लगे, जहाँ पे बोलते अरे अमिताभ बच्चन की जैसे रिटायरमेंट वाली एज हो गई, ये जो एक दो डायलॉग्स थे वो मुझे भी अच्छे नहीं लगे, है ना। कुछ कुछ चीजें है फिल्म में जो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सेकंड हाफ फिल्म में अच्छा बनाया, और मुझे लगता है डायरेक्टर की जो नीयत है वो अच्छी है, वो मैंने ज्यादा ध्यान दिया, डायरेक्टर की नीयत अच्छी है कुछ अलग बनाने की। एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे सही लगा। मुझे ये लगता है कि है ना, डायरेक्टर ने एक्टर्स के पीछे खर्चा किया है, VFX के पीछे खर्चा किया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिसिंग है, जिस पे खर्चा करना चाहिए था, वो था एक टेक्निकल टीम जो सही राय दे के प्रॉपरली एग्जीक्यूशन में हेल्प कर सके। ये रिलीज होने से ठीक है, 3 से 4 बार एक बूम आई निकाल लेते नॉर्मल माइक से बात करते। देखिए पुष्पा भी मूवी रिलीज है, 3 से 4 बार वो लोग VFX ये सब फिर से क्रिएटिव टीम बैठ रही कि भाई उनका हाइट है वो पिक्चर का, ठीक है। अभी पुष्पा की बात नहीं करेंगे हम लोग, अभी बात करेंगे। राहुल की मैं बात से सहमत, राहुल का क्या कहना है मालूम है, ये मूवी जहां तक देखा जाए पैसा जो खर्चा किया है, ये सोचा कि हॉलीवुड के जैसी बनेगी, बराबर राइट। कहानी सेम टू सेम जो है, गाड़ी उड़ती है, फिर गाड़ी से लड़ाई करता, हाँ सूर्या सर गाड़ी उड़ती है, ये सब जो है हॉलीवुड, मतलब पूरी की पूरी हॉलीवुड उतारने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो प्रभास जिस जगह रहता है घर, वो ऐसा नहीं लगता देख के कि आज से 850 साल बाद का घर है, वैसे लग रहा है कि आज से 400 साल पुराना घर है, 16वीं सदी का घर दिखाया जा रहा है, तो वो सब टेक्नोलॉजी से मैच नहीं कर रहा है। पेड़ पौधे नहीं है लोग, फिर भी इंसान जिंदा है, ऑक्सीजन नहीं है फिर भी जिंदा है, जिंदा है, थोड़ी सी ऑक्सीजन ले लो, खाना नहीं खा रहे, एप्पल के लिए लड़ रहे हैं भाई, जो लड़की पॉजिटिव होगी 150 साल वाली। बहुत सारी चीजों का प्रॉपर तरह से नहीं दिया गया है, तो कई बार देखो हर तरह का पर्सपेक्टिव तो ऑडियंस का, एक बहुत लॉजिकल बात कर सही बात करें, इनके अपने पॉइंट्स ठीक ठाक है। मुझे फर्स्ट हाफ मुझे इसलिए अच्छा लगा, जैसे दिशा पटेल को पसंद नहीं, वैसे भी उसका परफॉर्मेंस भी पसंद नहीं, तो वो थी मुझे पसंद नहीं है। वाज लुकिंग हॉट, या तुझे पसंद नहीं हॉट? चलिए ठीक है, सबसे पहले चलिए ठीक है, अच्छी बात है, पूरा का पूरा मैं बात कर रहा हूं। बैंगी टाइप की लड़की चाहिए तुझे, देखना चाहता है भाई ये बैंगी, इसको हॉट लड़की पसंद नहीं है भाई, सीरियस हो गए। मैं बोला कि जोत नहीं थी उसके किरदार को, मैं क्या बोला, स्ट्रीम कर सकते थे। अभी मैं यही बोल रहा, डायरेक्ट मैं लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, आप थोड़ी सी लव स्टोरी थी, प्यार भरी कहानी, मेरे हीरो शांत रहे, इनका चल बोलिए बोलिए लास्ट क्वेश्चन, शादीशुदा हो गया ना, अरे शांत रहे मेरे भाई, जिस दिन शादी होगा ना औरत डंडे लेके पीछे पड़ेगी, उस दिन मालूम पड़ेगा, एक जाएगी दूसरी आएगी, एक जाएगी दूसरी आएगी, शांत रहे ऐसे भटको मत। मैं क्या बोल रहा हूं सूर्या सर, लास्ट आपको मूवी कैसी लगी जी? देखो हमने एक एंटागोनिस्ट के बारे में बात नहीं की, कमल हासन सर और स्वस्था चटर्जी या मुखर्जी है वो हमारे एक्टर, वो भी विलियन का छोटा विलियन का निभाए, दोनों का काम भी अच्छा लगा मुझे, और मुझे ऐसा लगा फिल्म का विजुअली बहुत अच्छा ट्रीट है, और किसी इंडिया के बाहर के किसी सिनेमेटोग्राफर ने फिल्म को बनाया है। पिक्चर के मैं प्लस पॉइंट्स बोलना चाहूँगा, पिक्चर के प्लस पॉइंट्स ये था कि VFX काफ़ी अच्छा था, थोड़े हथियार जो दिखाए गए वो थोड़े अच्छे थे डिजिटल टाइप के, उसके अलावा लाइक जो वॉर सीन था प्रभास और अमिताभ बच्चन का वो एपिक था, प्रभास की गाड़ी अच्छी थी काफ़ी बूझी, एंड उसके अलावा अगर कुछ अच्छा था अमिताभ बच्चन का किरदार अच्छा था, एंड कमल हसन का किरदार तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी दिया जाना चाहिए था भाई, वो जिंदा अच्छा, ये आपको क्या लग रहा है एंडिंग में जब कमला हसन एंट्री ले लेती तो क्या लग रहा है सेकंड पार्ट आना तय है? डेफिनेटली सेकंड पार्ट आएगा, बट हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्टर ने जो ये सारी कमियां की है फर्स्ट पिक्चर में, उसको अगर कवर अप करने का कोई तरीका सोचे सेकंड हाफ में तो थोड़ा बेटर रहेगा। और चलिए ठीक है, अरे यार तू यार हमेशा जो है, मैं क्या बोलता सूर्या सर कैसे ना, अशोक सर फिल्म का
एंडिंग तो अच्छा ही है, नो डाउट। फिल्म का इंटरनल ब्लॉक मुझे ज्यादा अच्छा लगा, दीपिका पादुकोण का जो भी सीन्स था, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बट मुझे ऐसा लगा वो एक बढ़िया एंड पर दीपिका पादुकोण अच्छा सीन है, प्लेइंग लाइक मदर मेरी रोल, मदर मेरी हाउ शी वाज कैरिंग और जीसस। अच्छा मैं क्या बोलता हूं लास्ट में, ये 3.5 स्टार, 3.5 स्टार मैंने दे दिया, 1.5 वेरी बैडली, 1.5 डेढ़ स्टार, क्यों डेढ़ स्टार भाई, नहीं शादी नहीं हुआ इसके लिए भाई, डेढ़ स्टार नहीं जमा भाई मेरे, शादी करने का है, मैं सेकंड हाफ पसंद आया ठीक है, डेढ़ स्टार। अमिताभ बच्चन अच्छा लगे, अमिताभ बच्चन के वही सबके वजह से दिया डेढ़ स्टार भाई, एंग्री एंग्री एनमैन स्टार है यार, उनको डेढ़ स्टार हो गया उनका, अच्छा ठीक है, चल उन्होंने तरंग ने 1 स्टार दिया तो क्या हमने डेढ़ दिया, आधा ज्यादा दे दिया, तुम पागल हो, 2.5 to 3 अच्छा क्या लग रहा है पब्लिक आएगी क्या हो? देखो डबिंग की हमने बात नहीं की, मुझे डबिंग में इश्यूज लगे कहीं कहीं, क्वालिटी थोड़ा इश्यूज है और बट मुझे ऐसा लगता है फिल्म का फर्स्ट हाफ अगर पब्लिक डाइजेस्ट कर सकती है हिंदी मार्केट में तो पब्लिक आएगी। मुझे हाँ मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मानंदन का रोल लेना, ब्रह्मानंद का कितने सारे पिक्चर में कितना अच्छा रोल रहा है, इसमें बहुत बेकार रोल दिया गया है, ये मानता हूँ मैं आपकी बात, एंड कॉमेडी उनको दिया जा सकता था, ये सब वो बुढ़ी से पान छीनने का, राम गोपाल को अंडा देने का, ये सब बहुत बेकार सीन, राजा मुली गाड़ी चला के ठोक रहे। तो गाइड्स आप देख सकते हैं ये सब जो है, राहुल ने अपना उपेन्द्र रखा, सूर्या सर ने रखा, फिर ये कृष्णा थोड़ा उतावला हो रहा है, जब अभी ये तो उसका ये नहीं करने का, रुको देखो ये बहुत लफड़ा करता है, अभी ये जो है वीडियो डाल रहा, देखो क्रेजी हमने, जिस दिन इसका शादी हो जाए ना उस दिन अंदर से क्या निकलता है देखते अब रह गया, देखो ये देखो ये मैं एंगेजमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये देखो ऑनलाइन एंगेजमेंट हो चुकी है, मेरी गर्लफ्रेंड से जो मिल चुके हैं सबसे ऑनलाइन में, ये चूना लगा रहा है, नहीं नहीं ये चूना लगा रहा है, जिस दिन रियल शादी होगा उस दिन देखे। तो गाइड्स क्रेजी हमें आपको वीडियो कैसा लगा, ऑटो वाले अंकल चैनल पर बस मैं ही चाहूँगा कमेंट बॉक्स में लिखे, और ये आपको मैं दे रहा हूँ वीडियो बस इतना ही, और बस ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करने पर लाइक और शेयर जरूर करें, नमस्कार जय हिंद, ये फोटो आ जाए।